फैजी के लिए गिफ्ट तुम छोड़ कर आई थी। फैजी ने आपसे पूछा क्या? अरे शुक्रिया कहने के लिए उसने कॉल किया मुझे। मेरा शुक्रिया लेना तो बनता नहीं, लिहाजा तुमको भूल कर दो। असल में पहली बार घर जा रही थी उनके, तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगा, और फैजी के लिए कुछ पसंद भी आ गया था तो ले लिया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन खुद देना चाहिए था, ऐसे चोरों की तरह देने की क्या जरूरत थी? वो अगर लेने से इनकार कर देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें भी एतराज है फैजी पर? एतराज की एक वजह है, हमारे खानदान में, सारे सोशल सर्कल में सब जानते हैं कि फैजी कौन है। फैजी का जो तारुफ सब जानते हैं वो उसका पास था, अब उसकी अपनी एक पहचान है हारिस। तुम कब से जानती हो फैजी को? जब से जाना है, किसी और को जानने की ख्वाहिश ही नहीं है मेरी। तुम्हें आयशा ने मिलवाया था फैजी से? तुम भी अगर मामा की तरह सोच रहे हो कि आयशा के कहने पर मैं फैजी के बारे में सोच रही हूँ, तो भूल है तुम्हारी। फैजी को मैं आयशा के इस घर में आने से पहले का जानती हूँ। कैसे? तुम्हें बताऊंगी तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे तुम। अरे मैं पूछ रहा हूँ तो बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ। अगर मोहब्बत एक नाकाफी दलील है तो मैं तुम्हें बता देती। बहुत बड़ा एहसान किया उसने मुझ पर, एक भेड़िए के हाथों रुस्वा होने से बचाया था जब वो मुझे जानता भी नहीं था। जो शख्स बिना जाने इतनी इज्जत दे, उसे जानकर उससे मोहब्बत करना क्या जुर्म है? कभी दिल ना टूटे।